नमस्कार, मैं करण सिंह। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। भारत और कनाडा के बीच गर्मा गर्मी का माहौल है। दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, जिसका असर अब दोनों देशों पर दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बात शुरू हुई 18 सितंबर 2023 के दिन, जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया। भारत ने इस इल्जाम को सिरे से खारिज करते हुए कनाडा पर इन खालिस्तानियों को पना देने और उनके खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया। वैसे आपको बता दें कि पहले भी कनाडा और भारत के संबंध बहुत खास अच्छे नहीं थे। कई अंतर्राष्ट्रीय समिट्स में आपने पीएम नरेंद्र मोदी को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर करते हुए देखा होगा। हाल ही में भारत में हुई G20 बैठक में भी पीएम मोदी की ट्रूडो से सिर्फ फॉर्मल मीट ही हुई। आपने उनकी ये तस्वीर तो जरूर देखी होगी। इस बैठक के बाद ट्रूडो की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खूब फजीहत की, यहाँ तक कि कनाडा की मीडिया भी उनकी आलोचना करने में पीछे नहीं हटी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कनाडा ने ऐसा क्या किया जिससे भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पिछले साल कनाडा में कुछ हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया था। भारत ने इस मुद्दे को उठाया और खालिस्तानी समूहों पर इसका आरोप लगाया। जून 2023 में कनाडा के ब्रैम्पटन में एक परेड का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को निशाना बनाने वाली मूर्तियां और तख्तियां प्रदर्शित की गई थीं। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके लिए कनाडा पर हमला बोला था। जून में कनाडा ने एक बार फिर भारत पर उसकी घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया था। फरवरी 2022 में खालिस्तानी समर्थकों की आलोचना करने वाले एक इंडो कैनेडियन रेडियो होस्ट दीपक पुंज पर हमला किया गया था। मार्च 2022 में भारत की 25 वर्षीय हरमनदीप कौर की हत्या कर दी गई। अप्रैल 2022 में टोरंटो में 21 साल के भारतीय छात्र कार्तिक वासुदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जुलाई 2022 में रिचमंड हिल में एक विश्व मंदिर में महात्मा गांधी की मूर्ति को अपवित्र किया गया था। अगस्त 2022 में एक भारतीय रेडियो होस्ट ज्योति सिंह मान पर 3 लोगों ने बेरहमी से हमला किया था। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। आए दिन खालिस्तानियों द्वारा कनाडा में भारत से अलग होकर नए मुल्क की मांग में जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसके ऊपर कनाडा की सरकार कोई रोक नहीं लगाती। जस्टिन ट्रूडो के भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तल्खी और बढ़ गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के वरिष्ठ राजनयिकों को बाहर निकाल दिया है। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी है। अब दोनों देशों के खराब हुए संबंध का असर दूर तक फैलने की आकांक्षा गहराई हुई है। अगर तनाव बरकरार रहा तो आर्थिक मोर्चे पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, चलिए अब आपको ये बताते हैं। कनाडा सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच 2022 में $13.7 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। ये पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और कनाडा की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने बहुआयामी हैं। दोनों देश ताजे विवाद से पहले अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे थे। दोनों पक्ष इस साल के अंत तक बातचीत पूरा कर डील फाइनल करने की तैयारी में थे। इस डील से दोनों देशों के आपसी व्यापार में मल्टीफोल्ड ग्रोथ की उम्मीद थी और उससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को आने वाले सालों में अरबों डॉलर का फायदा होने वाला था। अभी कनाडा ने इस बातचीत को रोक दिया है, मतलब प्रस्तावित ट्रेड डील से होने वाला फायदा भी फिलहाल टल चुका है। कनाडा के फंड के लिए भारतीय शेयर बाजार और भारत की बुनियादी संरचना परियोजनाएं शानदार रिटर्न का माध्यम है। भारतीय शेयर बाजार उभरते बाजारों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय शेयर बाजार की संभावनाएं अपार हैं। यही कारण है कि भारतीय बाजार में कनाडा का इन्वेस्टमेंट $36 बिलियन से ज़्यादा का है और इसमें अकेले पेंशन फंड CPPIB ने भारतीय शेयरों में $32 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया हुआ है। एक और जगह जहां कनाडा को तगड़ा झटका लगेगा वो है उच्च शिक्षा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा को इंटरनेशनल स्टूडेंट से हर साल करीब $30 बिलियन यानी 2.50 लाख करोड़ रुपयों की कमाई होती है। इसमें 40% यानी 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का योगदान अकेले भारत के विद्यार्थियों का रहता है। अब अगर विवाद बढ़ता है तो कनाडा के फंड के लिए भारतीय शेयर बाजार के रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। जब संबंधों में तनातनी होगी तो स्वाभाविक है कि बुनियादी संरचना परियोजनाओं में निवेश के रास्ते पहले असर होंगे और बंद हो जाएंगे। व्यापार के मोर्चे पर बातचीत पहले ही रुक चुकी है और बाकी का नुकसान स्क्रूटनी टाइट होने से हो सकता है। भले ही स्टडी वीजा पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है, लेकिन शैक्षणिक मामले पर भी असर होने लग गया है। यानी आर्थिक मोर्चे पर भारत कनाडा को जोरदार पटकनी देगा और कनाडा चारों खाने चित हो जाएगा।
भारत और कनाडा के इस विवाद में क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।